अस्सलामुअलैकुम मेंबर्स, मिल्की फूड चैनल में खुश आमदीद। मैं हूं शफकार और आज हम आपको बेकिंग से हटके कुछ सिखाने जा रहे हैं। क्या बनाएंगे आज? रशियन सैलड। रशियन सैलड में जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ करनी है बताते हैं आपको। सबसे पहले उसमें शुगर, लिक्विड व्हिपी व्हिप क्रीम यूज़ करेंगे और उसके साथ मायोनीज यूज़ करेंगे। वाइल्ड पोटैटोज़ हैं, क्यूब कटिंग की हुई है उसकी। और उसके अलावा जो है हमारे पास फ्रोज़न जो है, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल्स भी होती हैं, कैरेट्स है, इसके अंदर जो है ग्रीन बीन्स है, ग्रीन पीस है और स्वीट कॉर्न है, और इसके साथ कुछ क्रेप्स हैं। इसके साथ लास्ट में यूज़ करेंगे इसमें एप्पल। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले हम सैलड की बेस बना लेंगे। एक कप इसके अंदर मायोनीज यूज़ कर रहे हैं हम। एक कप मायोनीज, हाफ कप इसके अंदर लिक्विड व्हिपी व्हिप क्रीम यूज़ करेंगे और इसके साथ जो है 2 टेबलस्पून शुगर हम यूज़ करेंगे। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके हमने क्या करना है, एक बेस बना लेनी है। लड़का रेडी है। अब हमने इसके अंदर जो है ये रेड एप्पल यूज़ करने हैं और एप्पल को कट करके इसके क्यूब बना के साथ साथ इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे। इसके क्यूब्स बनाने हैं हमने और इसको साथ साथ ही हम अपनी बेस के अंदर मिक्स करते जाएंगे। उसकी वजह ये है हमारे एप्पल्स जो हैं वो ब्लैक नहीं होंगे। ऐसे एप्पल्स के क्यूब्स अंदर काट के ऐड करते जाएंगे और उसको साथ के साथ जो हमने क्या करना है, फोल्ड करते जाना है। इससे आपके एप्पल जो हैं बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होंगे। अगर आप बनाना वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो, या पोमिनग्रेन, इसी कंडीशन में आप ऐड करेंगे ताकि जो है वाटर जो है उसका वो डिसॉल्व नहीं होगा। जब एप्पल इसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छे से तो आप ग्रेप्स जो हैं इसके अंदर ऐड कर दें और इसको भी फोल्ड कर दें। ग्रेप्स को भी इसके अंदर अच्छे से फोल्ड कर देना है। अब बिल्कुल जो है ना स्लोली जो है हमने इसको मिक्स करना है। अब पोटैटोस जो हैं बॉइल ये इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको इसके अंदर फोल्ड कर देंगे। जो पोटैटोस आपने बॉयल करने हैं उनको बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना कि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। बिल्कुल आपने थोड़ा सा उसको जो है हार्ड रखना है ताकि अच्छे से आप फोल्ड करते वक्त भी जो है वो सॉफ्ट ना हो। ये वेजिटेबल्स फ्रोज़न है, हमने मार्केट से इसको परचेज़ किया। अगर आप इसको ख़ुद भी बॉयल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सब चीज़ों को बॉयल करके आप इसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर लेके आएँ और फिर इसके अंदर मिक्स कर दें। बिल्कुल स्लो स्पीड में आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने इसको फोल्ड करते जाना है। उस ब्लेडर में आपने इसको रखना है और जब भी आपने सैलड को सर्व करना है तो उसका 5 to 7 जो है टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि फुल ठंडी हो, फिर आप इसको सर्व करें। रशियन सैलड हमारा रेडी है। अब इसको हम सर्विंग बाउल में जो है कन्वर्ट करते हैं। रशियन सैलड हमारा रेडी है। इसको फ्रिज में रखेंगे, थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे, उसके बाद आपके सामने इसको सर्व करेंगे। सैलड हमारा ठंडा हो चुका है। अब सीज़न है ग्रेप्स का, तो ग्रेप्स इसके ऊपर लगा देंगे और इसको डेकोरेट कर देंगे। आप चाहें तो कोई और चीज़ भी इसके ऊपर लगा के इसको डेकोरेट कर सकते हैं। सैलड में हमने जो चीज़ें यूज़ की आपके सामने, 1 कप मायोनीज यूज़ की है, इसके अंदर 1/2 कप लिक्विड व्हिपी व्हिप क्रीम यूज़ की है और 2 टेबलस्पून शुगर यूज़ की है। 1/2 कप इसके अंदर ग्रेप्स यूज़ किए हैं, 1 कप जो है फ्रोज़न वेजिटेबल्स का यूज़ किया है। उसके साथ जो है हमने आपके सामने पोटैटोज़ जो थे बॉयल किए हुए, 1/2 कप वो यूज़ किए हैं। इन सारी चीज़ों का मेथड बहुत ही ईजी था, आपके सामने हमने इसको बनाया। जी मेंबर्स, रिकैप आप लोग देख चुके हैं, रशियन सैलड आपके सामने रेडी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मज़ीद और रेसिपीज़ आप क्या सीखना चाहते हैं आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मज़ीद लोग फ़ायदा उठा सकें। ऐसी मज़ीद और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। जब तक के लिए मिल्की फूड की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।